इस वीडियो हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग से रिलेटेड कौन कौन से यूजफुल मेथड्स होते हैं जो हम लोग स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लेंथ चेक कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग की। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ यूज करते हैं। एंड बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कौन कौन से मेन है, बाकी कुछ हम लोग साथ में भी देख लेंगे। एंड सेकेंड कॉनकेट मेथड क्या करते हैं, कॉनकेटनेटिंग स्ट्रिंग्स। सो हम मोर देन वन स्ट्रिंग को कॉनकेटनेट ऐड कर सकते हैं, मतलब उनको स्प्लिट, स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग। किसी दी हुई स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं सब स्ट्रिंग्स में स्प्लिट मेथड से। इंडेक्स ऑफ लोकेटिंग अ सब स्ट्रिंग फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी सब स्ट्रिंग की लोकेशन को हम, मतलब कौन से इंडेक्स पे वो लोकेट है वो फाइंड करने के लिए इंडेक्स ऑफ मेथड को यूज करते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेटिंग अ सब स्ट्रिंग बैकवर्ड, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड क्या हमें देता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी सब स्ट्रिंग की लोकेशन को बताता है हमें। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। सब स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्टिंग अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग से हम सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब स्ट्रिंग मेथड को यूज करते हैं। ट्रिम, रिमूविंग व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ एंड्स। ट्रिम मेथड हमारा क्या यूज में आता है कि अगर किसी स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में या एंड में कोई व्हाइट स्पेस है, रह गया है, हम चाहते हैं कि उसको वो रिमूव करें, तो उसके लिए ट्रिम यूज करते हैं। एंड स्लाइस, एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, मीन्स जस्ट सब स्ट्रिंग की तरह ही अगर हम किसी स्ट्रिंग का सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसे हम स्लाइस से यूज कर सकते हैं। इंक्लूड्स, चेक इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स सब स्ट्रिंग, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग में हमारा कोई सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो उसके लिए हम इंक्लूड मेथड से चेक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स हम लोअर केस और अपर केस में चेंज करने के लिए टू लोअर केस टू अपर केस यूज करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल से देख लेंगे वो भी। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं ये मेथड कैसे यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम एक समझते हैं एग्जाम्पल से। तो हम सबसे पहले एक यहाँ पर एक कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमने एक स्ट्रिंग लिया लेट मैसेज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लिया हेलो। एंड अब हम यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाके यहाँ पर हम देखेंगे। तो ओके, अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो लेंथ चेक करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैसेज डॉट लेंथ, अगर हम ऐसे करेंगे एंटर करेंगे तो देखिए लेंथ मिल जाती है हमें हेलो की। अगर मैं इसमें कुछ और भी ऐड करा दूं, हेलो वर्ल्ड, एंड अगेन मैं यहाँ पर करता हूँ मैसेज डॉट लेंथ, एंड देखिए एंटर। इसकी जो लेंथ, मतलब जो स्ट्रिंग के जो लेंथ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसके जो करेक्टर की जो लेंथ है यहाँ पर, वो यहाँ मिल जाती है हमें। अब फ्रेंड्स इसमें और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि अगर हम इसको अपर केस में चेंज करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, मैसेज डॉट टू अपर केस मेथड होता है, और इसको इस तरह से कॉल करेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा अपर केस में हो गया। अब अगर हमें इसे लोअर केस में करना है, मैसेज डॉट टू लोअर केस, एंड इस तरह से हम चाहते तो यहाँ भी कर सकते हैं, बट मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर एक बार वेरिएबल में लूंगा, फिर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने लिख दिया। अब हमने ये तो चेक कर लिया, अब हमें क्या चेक करना है, तो हमारा ये पार्ट तो हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने हटा दिया, अब इसको निकाल देते हैं। अब हमें कॉनकेटनेट चेक करना है, कॉनकेटनेट करना है, तो मैंने क्या किया, इसको हेलो को एक में रख लिया और दूसरा मैंने किया लेट, हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल दे दिया जैसे चैनल इक्वल्स टू टेक बोल, ऐसे लिख दिया। तो फ्रेंड्स अब हम इसे कॉनकेट करना चाहते हैं, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे करेंगे, हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया ऐसे लेट, इसको नाम दे दिया ग्रीटिंग
इक्वल्स टू, तो फर्स्ट हमारा स्ट्रिंग क्या है, मैसेज डॉट कॉनकेट, कॉनकेट मेथड होता है स्ट्रिंग के लिए, एंड इसमें हमें क्या करना होता है, किस मीन्स कोई बीच में हम देना चाहते हैं, कोई स्पेस देना चाहते हैं, किसके साथ हम इसको कॉनकेटनेट करना चाहते हैं, तो हमने एक स्पेस दे दिया, दूसरा स्ट्रिंग चैनल, चैनल इस तरह से दिया, एंड अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करना चाहते हैं, गेटिंग को क्या वैल्यू मिलती है हमें, तो गेटिंग को हमने इस तरह से किया एंड सेव किया फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हेलो टेक बॉल, मतलब दोनों स्ट्रिंग जो है वो एड हो गई। तो इस तरह से हम दो स्ट्रिंग को कॉनकेटनेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया स्ट्रिंग कॉनकेटनेशन, तो इसको भी हम यहाँ से अभी हटा देते हैं। अब अगला देखते हैं हम स्प्लिट द स्ट्रिंग, अब स्प्लिट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को। तो जैसे अगर हमें एक, जैसे हमने यहाँ पर, अब मैं ये दोनों को एक में कर देता हूँ अभी इस तरह से, अब इसको मैं अभी हटा देता हूँ, मैसेज में रख देते हैं। अब हम इसको स्प्लिट करने के लिए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर हमें कैसे स्प्लिट करना है तो हमने क्या किया, इसको बोल दिया हमने सब टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने क्या किया इस तरह से मैसेज डॉट स्प्लिट, एंड किस चीज से स्प्लिट करना है, कैसे ब्रेक करना है, हमें जहां भी स्पेसेस आएंगे वहां से हमें ब्रेक करना है। तो हमने इस तरह से इसको सेव कर दिया, एंड इसके बाद अगर हम इसको फ्रेंड्स यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे सब टेक्स्ट के लिए, तो देखिए हमें एक अरे मिल जाती है। अरे में हमें क्या है, दो एलिमेंट्स मिले, अब वो ब्रेक हो गया है, जो हमारी स्ट्रिंग थी वो हमने ब्रेक कर ली स्पेस से। अगर मैं एक यहाँ पर और दे दूँ यूट्यूब चैनल ऐसे कुछ, तो देखिए स्पेसेस से ब्रेक हो रहा है, तो फोर एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अब हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह से, एक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें अपनी स्ट्रिंग को मल्टीपल, मतलब कोई एक पैटर्न से, मतलब हमें ब्रेक करना है, जैसे मल्टीपल चीज़ों के साथ में, कि एक्सक्लेमेशन हो तो ब्रेक हो, कॉमा से हो, फिर डॉट से हो, ऐसे। तो हमने कुछ, जैसे मैंने लिख दिया हेलो, एंड साथ में मैंने लिख दिया टेक बॉल, एंड टेक बॉल चैनल यहाँ लिख दिया टेक बॉल, एंड यहाँ पर कुछ ऐसा लगा दिया कॉमा, एंड यूट्यूब के बाद हमने कुछ ऐसा लगा दिया डॉट, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रिंग है हमारे पास में। तो ये तो ठीक है अभी, बट मुझे ये चाहिए कि ये ऐसे ब्रेक हो, कि यहाँ से ब्रेक हो, फिर यहाँ से ब्रेक हो, एंड फिर यहाँ से, मतलब एक एक्सप्रेशन में हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। ये तो हमने स्पेसेस से कर दिया अभी। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसको हम कैसे करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह पर हमें क्या लिखना होगा, हमें ऐसे लिखना होगा एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हमें लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन कॉमा एंड डॉट। तो अब देखिए कैसे ब्रेक हो गई। अब मैं इसमें कुछ और भी लिख देता हूँ, यहाँ पर इज द बेस्ट चैनल फॉर जावास्क्रिप्ट। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो ब्रेक कैसे हो रहा है। पहला जो ब्रेक हुआ है वो एक्सक्लेमेशन पे हुआ, हेलो हेलो। सेकंड टेक बॉल, क्योंकि हमने कॉमा के लिए किया था, एंड उसके बाद यूट्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया था, एंड उसके बाद जो भी रेस्ट है वो देखिए लास्ट में आ गया है। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं एक्सप्रेशन से। अब नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, अब इसको भी मैं यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ। अब हमें देखना है इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली लेट str equals to, हमने कोई स्ट्रिंग ले लिया प्लीज सब्सक्राइब टेक वॉल, ऐसा कोई एक स्ट्रिंग ले लिया। अब हमने इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग, अब इसमें हमें इंडेक्स फाइंड करना है सब स्ट्रिंग का। सो हमें कैसे कर सकते हैं, लेट इंडेक्स इक्वल्स टू, एक वेरिएबल लिया एंड इसमें हम क्या करना है str dot index of, index of method होता है, और क्या index of method, अगर हमें just हमें ये check करना है take, मतलब tag जो substring है उसका जो है index क्या होगा, तो वो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर console dot log
एंड मैंने किया इंडेक्स, तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है हमें, 17. सो यहाँ से अगर हम इसको काउंट करते जाएंगे तो 0 से करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो टी जो टैग स्टार्ट हो रहा है वो आपको 17 से हो रहा है. तो इस तरह से आप इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ से. अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कट करता हूँ इसको, एंड यहाँ हम देखते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ. जैसा कि हमने बताया था, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ से, यहाँ से वो इधर की तरफ से देखते जाता है कि ये जो है वो किस इंडेक्स पे मिलेगा. या आप ये कह सकते हैं कि लास्ट अकरेंस जो है उसका सब स्ट्रिंग का, उसका इंडेक्स निकालता है वो. अगर हम टैग का ही देखना चाहें यहाँ से, तो देखिए क्या मिलेगा. ये चीज अगर हम यहाँ पर करना चाहते हैं तो हमें 17 मिला. तो ये हुआ टैग का. अगर मैं यहाँ पर जस्ट टी के लिए चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये पीछे मतलब यहाँ पर जो लास्ट अकरेंस है, अगर यहाँ पर एक और भी होता है, यहाँ पर कोई टैग इस तरह से होता, आप देख लीजिए. अगर टैग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक टैग, एंड एक टैग ये है, तो अगर मैंने इस तरह से किया तो भी देखिए अब 22 आ गया, क्योंकि ये इसका इंडेक्स बढ़ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ऐड किया. जबकि अगर यही चीज मैं सिर्फ इंडेक्स ऑफ से निकालूंगा तो देखिए क्या आता है. इंडेक्स ऑफ से अगर हम यही चीज चेक करेंगे तो ये इधर से चेक कर रहा है फर्स्ट अकरेंस जो आ रहा है. अगर हम लास्ट इंडेक्स ऑफ चेक कर रहे हैं तो ये इस साइड से, मतलब जो इंडेक्स है वो तो इधर से ही मिल रहा है, बट लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो मिल रहा है. तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो देखिए 22 मिलेगा इधर से चेक कर रहे हैं. अब देख लेते हैं फ्रेंड्स सब स्ट्रिंग. तो हमने ये भी कर लिया, इसको हम हटा ही देते हैं साथ में. अब देखते हैं सब स्ट्रिंग के बारे में. तो फ्रेंड्स ये एक हमने स्ट्रिंग ले ली है. अब इस स्ट्रिंग के अंदर हम सब स्ट्रिंग को फाइंड करना चाहते हैं, सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, लेट सब स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू जो स्ट्रिंग है वो str.sub string मेथड होता है. एंड इसमें देखिए क्या क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक निकालना है. तो अगर सपोज हमें प्लीज निकालना है तो हम 0 से, एंड हमें इसका जो इंडेक्स है वो कहाँ तक चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें 6 तक यहाँ पर चाहिए. अगर हम इस तरह से करते हैं, एंड देखिए अगर हम इसे console.log करेंगे यहाँ पर सब स्ट्रिंग के लिए, तो देखिए हमें प्लीज यहाँ से हमने सब स्ट्रिंग इसकी फाइंड कर ली. अगर हमें यहाँ पर टैग चाहिए तो टैग हमारा 7 से आएगा, तो 7 एंड यहाँ पर हमें 11 करना होगा. तो देखिए हमने टैग को इस तरह से निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं. एंड सब स्ट्रिंग से अगर हमें कोई एक ईमेल है, सपोज हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई एक ईमेल दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने दिया pankaj@gmail.com, ठीक है. अब हमें इसमें डोमेन को फाइंड करना है. जैसे हमें सपोज ये चीज फाइंड करनी है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हमें यहाँ पर लिखना होगा str, या फिर मैं इसको ईमेल करूँ तो और ज़्यादा सही लगेगा. तो मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर मैंने किया ईमेल, एंड फिर यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा ईमेल, एंड ईमेल डॉट सबस्ट्रिंग. एंड मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जैसे अभी हमने देखा ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ, हमें इंडेक्स ऑफ निकालना है कहाँ से, @ से स्टार्ट करना है, एंड इसके साथ में हमें +1 मतलब @ से आगे एक हमें वहां से इंडेक्स स्टार्ट करना है. तो अब मैंने इसको कर दिया डोमेन, एंड इस डोमेन को जब मैं यहाँ पर इस तरह से कंसोल करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स हमें gmail.com यहाँ मिल जाता है. तो इस तरह से हम डोमेन निकाल सकते हैं. अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रिम करना. तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ पर कुछ एक और मैसेज ले लिया, लेट str इक्वल्स टू, एक स्पेस दे के हमने लिख दिया प्लीज
लाइक दिस, एंड हमने दोनों तरफ देखी कुछ स्पेस दे दिया है एक स्ट्रिंग में। अब हमें इसको ट्रिम करना है, तो मैंने अगर जस्ट मैं ऐसे इसको कंसोल डॉट लॉक करता हूँ अगर यहाँ पर str को, तो देखिए कैसे हमें मिलता है। आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए इधर भी स्पेस आ रहा है, इधर भी स्पेस आ रहा है कुछ। अगर हम इसको फ्रेंड्स इसको अगर हम यहाँ से ये ट्रिम करना चाहते हैं, इसके जो स्पेसेस को हम ट्रिम करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, देखिए अभी हम इसको करेंगे। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए कोई भी स्पेस नहीं आएगा इसमें, ये देखिए इधर भी स्पेस नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब अगर सिचुएशन ये आती है कि हमें ये जो ट्रिम है वो स्टार्टिंग से करना है या फिर एंड में करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिम स्टार्ट मेथड यूज करेंगे। एंड देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो एक तरफ स्पेस आ रहा है, एक तरफ हमारा हट गया है। अगर हमें एंड वाला करना है तो हम यहाँ पर ट्रिम एंड कर सकते हैं, तो देखिए मीन्स एंड वाला स्पेस जो है वो हट जाता है। तो इस तरह से हम ट्रिम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर हमें दोनों तरफ से चाहिए तो हम जस्ट ट्रिम ऐसे यूज करेंगे, तो दोनों तरफ से जो है वो व्हाइट स्पेस यहाँ से हट जाता। तो ये हो गया ट्रिम फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स में हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ ये अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कोई दी हुई जो स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग वो हमारी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, अगर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम वहां पर इंक्लूड्स मेथड को यूज करते हैं। तो इंक्लूड्स में आप कई सारी चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप ईमेल वगैरह में कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंक्लूड कैसे चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और अगर इसी स्ट्रिंग में हम ये चेक करना चाहते हैं str dot includes, एंड इसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि लाइक है या इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो लाइक को अगर देखेंगे तो ट्रू मिलता है। अगर लाइक के बाद कुछ और मैंने ऐसे ऐड कर दी जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, देखिए फॉल्स आता है यहाँ पर। तो ये इस तरह की चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। अगर सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई ईमेल ले लिया techwall@gmail.com, एंड मैं इसमें ये चेक करना चाहता हूँ कि एट द रेट है या नहीं इस तरह का, तो देखिए वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हैस किया तो फॉल्स आता है। तो ये आप इंक्लूड्स मेथड को यूज करके कर सकते हैं। अब देखते हैं स्लाइस, स्लाइस कैसे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया स्लाइस, तो स्लाइस मेथड में क्या होता है, स्लाइस हमें कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जैसे कि बेस नेम, मतलब हमारा ये यूजर नेम मुझे ये फाइंड करना है किसी ईमेल के अंदर से, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वहां पर मैंने किया लेट ईमेल नेम इक्वल्स टू str, क्योंकि हमारा str में है, डॉट स्लाइस, एंड स्लाइस का मतलब है कि पर किस इंडेक्स से लेके किसी दूसरे इंडेक्स तक की जो हमें उस सब स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, निकालना है मतलब। तो हम कैसे इसको डायनेमिक कैसे चेक कर सकते हैं कि जीरो से हमें स्टार्ट करना है और हमें कहां तक जाना है, इंडेक्स ऑफ एंड एट द रेट साइन तक हमें इसको निकालना है इस तरह से। एंड हम यहां पर जब कंसोल डॉट लॉग करेंगे फ्रेंड्स यहां पर ईमेल नेम को, तो देखिए हमारा जो बेस नेम है जो ईमेल का वो हम फाइंड कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ। ओके फ्रेंड्स यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पर str डॉट आना चाहिए इंडेक्स ऑफ में, एंड यहाँ पर स्लाइस सॉरी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर स्लाइस होना चाहिए था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप इस तरह से जो टेक बॉल पार्ट है वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसे स्लाइस कर लिया मतलब स्ट्रिंग से। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में स्लाइस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे जावास्क्रिप्ट में कुछ यूजफुल मेथड्स स्ट्रिंग के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।